डॉक्टर पॉलिटी पे मैं हूँ स्वतंत्र सिवाच और आज हम कवर करेंगे एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14। अगर हम देखें कि एक्सेप्शंस हैं जो आर्टिकल 14 के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 31 सी में दिए हुए हैं, आर्टिकल 105, 194, आर्टिकल 361 और आर्टिकल 361 ए में दिए हुए हैं। अब ये लिस्ट थोड़ी हैपहैज़र्ड, थोड़ी सी अनरिलेटेड लगती है, पर अगर हम एक्सेप्शंस के कारण को जानते हैं, उनके फंडामेंटल रीजनिंग को समझते हैं, तो ये आर्टिकल्स हमें बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या क्या वो बेसिक कारण हैं जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सोचा कि एक्सेप्शंस को एक्सेप्शंस की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ एक्सेप्शंस आता है, उसका जो फंडामेंटल रीजनिंग है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स बोल सकते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग बोल सकते हैं। अब ये सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है कि स्टेट के तीन बेसिक ऑर्गन होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में। एक होता है जुडिशरी, एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है एग्जीक्यूटिव। ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे की फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस ना करें, अननेसेसरी हर्डल्स ना पैदा कर सकें, इसके लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स को इंश्योर किया जाता है कि इन सबकी पावर्स को सेपरेट रखा जाना चाहिए। अगर ओवरलैपिंग होगी तो उनके बीच में खींचातानी होगी, उनके बीच में टेंशंस बढ़ेंगी, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग पे प्रॉब्लम आएगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग को इंश्योर करता है और ये एक बेसिस है जो एक्सेप्शन टू इक्वालिटी को क्वालिफाई करता है। अब इसमें कौन सा एक्सेप्शन आता है? आर्टिकल 105, 194, आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 कौन सा है? जिसमें हम गवर्नर और प्रेसिडेंट को स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं। इन प्रिविलेजेस के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके सारे मेंबर्स को भी स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं। अब इन दोनों ग्रुप्स को प्रिविलेजेस देने का क्या मतलब है? पहला, क्योंकि गवर्नर और जो प्रेसिडेंट हैं वो एग्जीक्यूटिव के टॉप हेड्स होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव की सारी पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं। इसके अलावा गवर्नर और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई भी लॉ नहीं बन सकता। तो ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स होती हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग में अगर हर्डल आती है, उनके ऊपर कोई केस हो जाता है, उनको जेल हो जाती है, तो फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से हम इंश्योर करते हैं कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की फंक्शनिंग में उनके ऊपर कोई कोर्ट केस ना हो पाए। ये कोर्ट केस ना हो पाए का क्या मतलब है? कि अगर गवर्नर है और प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकता जब तक वो अपने ऑफिस में है। दूसरा, अगर उनके ऊपर सिविल केस भी होता है, सिविल केस करने के बदले में आपको उन्हें 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके सारे मेंबर्स को भी स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं, पर उनका कारण बिल्कुल अलग होता है। उनका कारण होता है कि जो MP, MLA, MLCs हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं, उनकी बातों को वो बिना डर, बिना भेदभाव के नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे रख सकें। अगर वो अपनी बात रखने में सक्षम नहीं रहते तो डेमोक्रेसी का मतलब कुछ भी नहीं है। इस वजह से जो MPs, MLA, MLCs हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं। जैसे कि अगर वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या काउंसिल में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कोर्ट्स उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अब आपने देखा होगा कि जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं, हम दोनों कोर्ट्स के रिस्पॉन्स में बात करते हैं कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, ये सिविल केस नहीं हो सकता है 2 महीने के नोटिस के बिना। किन पे? गवर्नर और प्रेसिडेंट पे। इसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि जो MP, MLA, MLC हैं, उनके खिलाफ कोर्ट केस नहीं हो सकता। किस चीज़ के लिए? कि वो पार्लियामेंट में या अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या बातें बोलते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में क्या करते हैं। ये इस वजह से कि क्योंकि आर्टिकल 14 लीगल इक्वालिटी की बात करता है, लॉ के पर्सपेक्टिव, कोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से बात करता है, इस वजह से हम दोनों केसेस में बोलते हैं कि कोर्ट में गवर्नर या प्रेसिडेंट को नहीं घसीटा जा सकता, इसी तरीके से MP, MLA को नहीं घसीटा जा सकता। तो ये पहला जो एक्सेप्शन टू इक्वालिटी हम पढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करता है कि जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर सकें, जो एग्जीक्यूटिव के जो हेड्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए अपने फंक्शनिंग करने में।
तो इस तरीके से पहला एक्सेप्शन आप सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू याद रख सकते हैं। आर्टिकल 361 डील करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में, और जो आर्टिकल 105 है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स के बारे में, और 194 है जो आर्टिकल वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में। जो दूसरा ग्रुप ऑफ एक्सेप्शंस आता है वो आता है इंटरनेशनल रिलेशंस से, जो हम अपने रिलेशंस दूसरे देशों के साथ मेंटेन करते हैं। तो इस एक्सेप्शन के तहत हम चाहते हैं कि जब दूसरे देश के सोवरेंस, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, राजा महाराजा दूसरे देश के जब हमारे देश में आते हैं, या फिर दूसरे देश के डिप्लोमेट्स यहाँ पे आते हैं, या फिर यूएन की ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स या फिर एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं। वो स्पेशल प्रिविलेजेस किस लिए कि जिससे भारत के रिश्ते जो पूरे विश्व के साथ हैं या जो दूसरे देशों के साथ हैं उनमें एनिमिटी ना हो, उनमें कोई कड़वाहट ना आए। इस वजह से जो डिप्लोमेट्स हैं, जो सॉवरेन्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के, जो राजा महाराजा प्राइम मिनिस्टर जो भी आते हैं, उनको भी हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उनको प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं कि उनको कोर्ट में ना घसीटा जा सके। ये इंश्योर करता है भारत की कमिटमेंट यूएन के प्रति और भारत की कमिटमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रति। तीसरी सेट ऑफ रीजनिंग आती है डिफेंस ऑफ ट्रुथ के सेंस में। डिफेंस ऑफ ट्रुथ का मतलब कि अगर लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं, अगर उसकी ट्रू प्रोसीडिंग्स को पब्लिश किया जाता है, सब्सटेंशियल ट्रुथ को पब्लिश किया जाता है, तो उस इंसान पे, उस पब्लिशर के ऊपर कोर्ट केस नहीं किया जा सकता। ये भी स्पेशल प्रिविलेजेस है कि किसी इंसान पे आप कोर्ट केस नहीं कर सकते, उसको स्पेशल प्रिविलेज है ना। तो वो स्पेशल प्रिविलेज उस इंसान को इंश्योर किया जाता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई प्रोसीडिंग हुई, तो उसने उसको अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया, अपनी मैगजीन में छाप दिया, तो उसके खिलाफ डिफेमेशन केस नहीं हो सकता। डिफेमेशन केस मतलब अगर हमने बोला कि पार्लियामेंट में कोई कुछ भी बोले उनको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता, पर इसका मतलब ये नहीं है वो वहाँ पे जो बोलते हैं या वो करते हैं वो दुनिया को नहीं बताया जाएगा। जब उसकी ट्रू रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर्स में या किसी पत्रिका में छपती है तो वो ये नहीं कह सकते इससे मेरी इमेज कम हो रही है तो आप इसको हटाओ। तो ये जो ट्रुथ है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये जो सेट ऑफ रीजनिंग है ये उन पब्लिशर्स को, उन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है जो सच्ची प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कहीं भी पब्लिश करते हैं। अब हम आखिरी सेट ऑफ जो रीजनिंग है उसके बारे में देखते हैं। अब तक जितनी भी रीजनिंग्स देखी हैं हमने उसमें हर इंसान को कुछ ना कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई हैं जो कि हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है वो प्रिवेंट करता है। पर आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, ट्रुथ की डिफेंस के लिए हम स्पेशल प्रिविलेजेस कुछ लोगों को देते हैं, जिनमें कौन कौन आते हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट, फॉरेन डिग्निटरीज, यूएन के जो ऑफिसर्स हैं, या फिर जो सिटीजन्स ट्रू पब्लिकेशन करते हैं लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स के बारे में। ये जो लास्ट सेट ऑफ रीजनिंग है ये डिफरेंट है, ये किसी इंसान को स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड नहीं करती। ये जो एक्सेप्शन है ये दर्शाती है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस कैसा रहेगा। जो मिनर्वा मिल्स केस था उसमें ये बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, हम उन्हें ज़्यादा वैल्यू करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ऊपर रहते हैं। उसमें हम कुछ एक्सेप्शंस रखते हैं, कभी कभी डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जो स्टेट पॉलिसीज बनाता है, स्कीम्स बनाता है, लॉज बनाता है, उनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट को गाइड करता है कि आपको लॉज ऐसे बनाने चाहिए। तो फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है उसमें फंडामेंटल राइट थोड़ा सा ऊपर रहता हमेशा, पर कुछ कुछ एक्सेप्शंस अलाउड हैं कि जब हम देश हित में डीपीएसपी को किसी फंडामेंटल राइट से ऊपर रख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि जब हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल हैं, उनको कैसे आप नीचे रख सकते हो किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। इसका कारण ये है कि जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं ये इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं वो समाज के भलाई की बात करता है। तो हमें समाज की भलाई में और इंडिविजुअल के राइट्स के बीच में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ये बैलेंस कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करता है और इसी वजह से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच के बैलेंस को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम आगे आने वाली वीडियोज़ में भी कवर करेंगे।
तो ये जो एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है जिसमें एक डीपीएसपी इस फंडामेंटल राइट से ऊपर है। वो कौन सा डीपीएसपी है? वो डीपीएसपी है आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी। ये जो एक्सेप्शन है ये मेंशन तो किया गया है आर्टिकल 31 सी में, पर आर्टिकल 31 सी ये बोलता है कि एक डीपीएसपी है और एक फंडामेंटल राइट है, उन दोनों के बैलेंस में हमने डीपीएसपी को ऊपर रखा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये जो एक्सेप्शन है वो आर्टिकल 31 सी में लिखा गया है। आर्टिकल 31 सी ये बोलता है कि जो आर्टिकल 39 बी और सी है, 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी है, जो कि एक डीपीएसपी है, उसको आर्टिकल 14 से ऊपर रखा गया है। अभी ये सोचने में लगता है कि ऐसा कौन सा डीपीएसपी हो गया जो राइट टू इक्वालिटी से भी ऊपर है। वो ये जो दो आर्टिकल्स हैं 39 क्लॉज बी 39 क्लॉज सी, ये दो चीज़ों के साथ डील करते हैं। एक डील करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के साथ और दूसरा बात करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप देखोगे ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्चुअली इक्विटी की ही तो बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज में इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक्चुअली इनइक्वालिटी ही तो क्रिएट करता है। जब एक इंसान के पास सारे रिसोर्सेज हों और आधी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाए तो ये भी तो सही नहीं है, ये भी इनइक्वालिटी होती है। तो इस वजह से जो आर्टिकल 39 बी और 39 सी है, हालांकि इक्वालिटी के साथ डील करते हैं बट ये डीपीएसपी हैं, तो हम इनको ऊपर रखते हैं क्योंकि समाज कल्याण के लिए, समाज हित के लिए हमें कुछ डीपीएसपी को हमने हमारे जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर रखा है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है उनके बीच में बैलेंस बनाना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये कोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज किया है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल तो है 31 सी, पर आर्टिकल 31 सी ये बोलता है 39 बी और 39 सी आर्टिकल 14 से ऊपर रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें प्रेरित करें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहें। आप फीडबैक ज़रूर दें, आने वाली वीडियोस में हम उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।